यहाँ पे हम आ जाते हैं रीडेबिलिटी। ये पहले आप देख लीजिए, एसयू यहाँ पे 8.1/10 हो चुकी है। रीडेबिलिटी भी 67 होनी चाहिए आपकी, यहाँ पे मेरी 60 आ रही है। वो किस वजह से आ रही है, यहाँ पे मेरा टारगेट जो है 1633 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 1148 है। ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑन पेज एसईओ, वो भी ब्लॉगर के लिए। तो गाइस, आपको जिन बंदों ने ब्लॉगर के लिए एसईओ सिखाया होगा, उन्होंने आपको वर्डप्रेस के ऊपर करके दिखाया होगा, फिर आपको कहा होगा कि इसे कॉपी पेस्ट करो और जाकर ब्लॉगर पे पेस्ट कर दो। ओके, तो ऐसा नहीं है, मैं आपको इस वीडियो में नया तरीका सिखाने वाला हूँ। ये एक फ्री टूल है, ना कि ये rf.com है। जैसा कि आपको बताया, लोग आपको rf.com पे ले जाते हैं और वहां पे बताते हैं कि ऐसे ऐसे यूज करो, लेकिन वो पेड है। आपको फ्री टूल दिखाने वाला हूँ, किसी किस्म की वेबसाइट नहीं है, ये एक टूल है। जैसे आप एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल करते हो उसी तरह से ये भी है, लेकिन ये इस तरह से यूज होगा। पहले आप वीडियो को पूरा देखना, समझना, इसे यूज करना। इसी को यूज करते हुए मैं भी अपने ब्लॉगर पे ट्रैफिक लेके आता हूँ। इसी तरह से मैंने अपने ब्लॉगर पे एडसेंस का अप्रूवल लिया है। बहुत बड़ा सीक्रेट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, अपनी लाइफ का, अपने एक्सपीरियंस का। ओके, तो चलिए गाइस, बगैर टाइम को वेस्ट किए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इतना बता दूं कि मैं जो है ब्लॉगर पे काफी सालों से काम कर रहा हूँ और ये चैनल मैंने हाल ही में बनाया है, तो काफी लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया है। 3 महीने में कोई इसके 1100 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो गाइस, मैं चाहता हूँ जब तक मेरे चैनल पे 20,000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाते, तब तक अपनी कोई प्रोफेशनल वीडियो यानी कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर ना करूँ, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ 1,000 सब्सक्राइबर्स है। वीडियो अपलोड करता हूँ तो 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 या फिर 10-15,000 व्यूज आते हैं। इतने व्यूज का कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ जब तक मुझे 50-60,000 व्यूज आना स्टार्ट नहीं होते, यानी कि 20,000 मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स नहीं होता, तब तक आपके साथ अपना किसी किस्म का अर्निंग प्रूफ शेयर ना करूं, या फिर यूं कह लो कि अर्निंग प्रूफ शेयर करके गूगल एडसेंस का रिस्क ना लूं। ओके, तो अगर आप चाहते हो मैं आपके साथ अपना अर्निंग प्रूफ शेयर करूं, तो उसके लिए मैंने इंस्टाग्राम बना रखा है। वहां पे मैं अपना अर्निंग प्रूफ टाइम टू टाइम अपलोड करता रहूंगा। नया मैंने अकाउंट बनाया है कुछ दिन पहले, तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, तो जाकर उसे भी फॉलो कर लेना उस पे न्यू अपडेट लेने के लिए। तो चलते हैं, बगैर टाइम को वेस्ट किए अपनी आज की इस वीडियो को शुरू कर दो। गाइस, अगर इस चैनल पे पहली दफा आए हो तो इस फेस को अपने माइंड में बिठा लो, उसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बने बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस करके आल के बटन पे प्रेस करना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। जब तक बेल के आइकन को प्रेस नहीं करोगे, आल के बटन पे प्रेस नहीं करोगे, कोई वीडियो अब तक नहीं आएगा। ओके, चलिए बगैर टाइम को वेस्ट किए अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आपने सबसे पहले क्या काम करना है, आपने आ जाना है अपने ब्लॉगर पे। ये देखिए, यहाँ आने के बाद आपने पोस्ट का होम पेज ओपन कर लेना है। अगर वर्डप्रेस पे हो तो वर्डप्रेस का कर लेना है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉगर का करके बताने वाला हूँ। यहाँ ब्लॉगर पे करके नहीं बताऊंगा, आपने क्या करना है, जो काम मैं आपको सिखाने वाला हूँ आपने यहाँ पे लाके कॉपी पेस्ट कर देना। ओके, ये देखिए, यहाँ पे आ गए हम। यहाँ पे आपको ये मेरा blogspot.com दिखाई दे रहा है, haptimesofficial.blogspot.com। ये देखिए, यहाँ पे आपको गूगल का एड दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे नीचे देख लीजिए, यहाँ भी आपको गूगल का एड ही दिखाई दे रहा है। ओके, ये मेरा ब्लॉगर है blogspot.com, यहाँ पे मैंने एडसेंस का अप्रूवल ले रखा है। तो आपने अब यहाँ पे पोस्ट कैसे लिखनी है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ आ जाना है गूगल पे। यहाँ आने के बाद आपने टाइप करना है सैमरश। ये देखिए, सैमरश आपने टाइप किया, ये आपको वेबसाइट मिल गई सैमरश.com। ओके, तो गाइज, ये वाला लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके ले लेना। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, क्रिएट योर सैमरश अकाउंट। ओके, यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना अकाउंट बनाना है। तो वो आपने कैसे बनाना है, यहाँ पे आपने अपनी ईमेल लगानी है, तो कोई भी एक आपने ईमेल लगा देनी है। ओके, मैं यहाँ पे कोई एक ईमेल लगा देता हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे ये वाली ईमेल लगा दी। यहाँ पे आपने कोई एक पासवर्ड रख लेना जो आप रखना चाहो। ओके, कोई भी एक पासवर्ड आपने यहाँ पे रख लेना है। तो मैंने ये पासवर्ड रखा, यहाँ पे आपने क्या करना है, क्रिएट योर सैमरश अकाउंट। ओके, यहाँ पे आपने अपना अकाउंट बना लिया, तो अभी आपने टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे आपने नेवर पे प्रेस कर दिया, आपका अकाउंट बन चुका है। अब आपने क्या करना है गाइस, आपने आ जाना है यहाँ पे गूगल पे। गूगल पे आने के बाद आपने जाना है, ये देखिए यहाँ पे गूगल एप्स जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, ये डॉक्स, ये देखिए डॉक्स है, आपने इसे ओपन कर देना है। इस पे क्लिक किया, ये आपका ओपन हो गया। ओके, तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने आईडी लगा दी। अब आपने क्या किया, यहाँ आने के बाद आपने टेक इट ओवर पे प्रेस किया और यहाँ ब्लैंक है, ब्लैंक के बटन पे प्रेस कर दिया। यहाँ आपने जैसे ही प्रेस किया, आपके सामने इस तरह से एक डिस्प्ले आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने आने के बाद यहाँ पे आके एडन्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, एडन्स पे प्रेस किया, गेट एडन्स पे प्रेस किया और यहाँ पे इस तरह से आपको डिस्प्ले शो होगा। तो गाइस, पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग वर्डप्रेस पे काम करते हैं वो वर्डप्रेस पे इस प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे ब्लॉगर पे सिखाने आया हूँ। मेरे कुछ भाई ऐसे हैं जो वर्डप्रेस नहीं बाय कर सकते, ब्लॉगर पे काम करते हैं, या फिर उन्हें काम करना ही सिर्फ ब्लॉगर पे आता है,
तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो देखिए अगर वर्डप्रेस पे हो तो तब भी आपके काम आएगी, आपने सिर्फ इसे कॉपी पेस्ट करना है। आपने क्या करना है, यहां आने के बाद आपने टाइप करना है सैमरश। तो गाइस सबसे पहले आपने सैमरश का अकाउंट बना लेना है। ओके, बनाने के बाद ये देखिए ये आपके पास इस तरह से डिस्प्ले आ गया, इस पर आपने क्लिक कर दिया, यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले आ गया, आपने इसे कर लिया इंस्टॉल। इंस्टॉल पे प्रेस करके आपने कंटिन्यू के बटन पे प्रेस किया और यहाँ पे देखिए इस तरह से आपके पास ये लॉगिन का मांगेगा। आपकी आईडी, यहाँ पे आपने अपनी आईडी दी। तो गाइस आईडी देने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आए, अलाउ के बटन पे प्रेस किया और ये आपका यहाँ पे हो गया इंस्टॉल। ओके, आपका अब सैमरश का जो टूल है यहाँ पे आपके डॉक्स में हो गया है इंस्टॉल। ओके गाइस इस तरह से आपके पास डिस्प्ले आ गया, आपने कर दिया डन के बटन पे प्रेस। ओके, यहाँ पे ये आपका अब इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ ऊपर आए, यहाँ पे क्रॉस के बटन पे प्रेस कर दिया। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे आके एडन्स के बटन पे प्रेस किया, ये देखिए आपका ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब आपको ये ऑप्शन मिलेगा शो का, यहाँ पे शो के बटन पे प्रेस कर दिया। तो इस तरह से ये आपका देखिए यहाँ पे सैमरश इंस्टॉल हो चुका है, सैमरश एसईओ रेटिंग असिस्टेंट। ओके, यहाँ पे ये चार ऑप्शन आपको देगा, लेकिन उससे भी पहले जैसे मैंने आपको पहले बताया आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा इसके लिए, जैसा मैंने आपको पहले बनाना सिखा दिया। अब आपने लॉगिन के बटन पे प्रेस किया, यहाँ आने के बाद अप्रूव के बटन पे प्रेस कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे आपका जो अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अब आपने क्या किया, तो देखिएगा यहाँ आने के बाद आपने अपना वो कीवर्ड, जो आपने कीवर्ड रखना है वो आपने यहाँ पे ऐड किया। ये देखिए ये मेरा कीवर्ड है, तो मैं ये कीवर्ड यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ आके मैंने इस कीवर्ड को कर दिया ऐड। ओके, यहाँ आने के बाद अब आप ये देख सकते हो गाइस, यहाँ पे आपको ये आपका जो कंट्री का ऑप्शन मिलेगा, आपने कंट्री अपनी सिलेक्ट करनी है तो कर दो यहाँ पे कोई भी एक कंट्री, जहां पे आप अपनी पोस्ट को रैंक करवाना चाहते हो, जहां पे कीवर्ड को रैंक करवाना चाहते हो। ओके, यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे इंडिया के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ओके गाइस, यहाँ आके मैंने इंडिया के ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे कोई रीजन आप सिलेक्ट करना चाहो वो भी कर लो, यहाँ पे सिटी ऐड करना चाहो वो भी कर लो। ओके, यहाँ पे रीजन ऐड करोगे तभी सिटी आएगा, तो मैं नहीं करना चाहता। डेस्कटॉप पे बटन पे प्रेस किया और यहाँ पे आपने ओके के बटन पे प्रेस कर दिया गेट रिकमेंडेशन पे। यहाँ पे उसके बाद थोड़ा सा लोडिंग होगा, लोडिंग के बाद देखते हैं आपको क्या देखने को मिलता है। ये देखिए इस तरह से आपके पास एक ऑप्शन आ चुका है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए क्लिक हेयर टू सी मोर, यहाँ आ चुका है। ओके, गोट इट पे प्रेस कर दिया। यहाँ पे अब आपने क्या किया, ये देखिए एसईओ जो आपने यहाँ पे मैंने अभी आपके सामने कीवर्ड लगाया, ये एक है, तीन मुझे सजेस्ट कर रहा है, उसके बाद ये देखिए थ्री डॉट्स है, इस पे प्रेस किया, काफी कीवर्ड्स मुझे देखने को यहाँ पे मिल गए। इसके रिलेटेड आपने क्या करना है, आपने अपने आर्टिकल के अंदर इन कीवर्ड्स को ऐड करना है, लेकिन आपने इस तरह से ऐड करना है कि ये ना लगे कि आपने कीवर्ड स्टफिंग की है। ओके, तो गाइस यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैंने पहले से आर्टिकल लिख रखा है ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो। यहाँ पे आके हमने इसे किया कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट करने के बाद ये मेरा आर्टिकल आ चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने इन कीवर्ड्स को इसके अंदर ऐड करना है। देखिए जो जो कीवर्ड्स मैंने इसके अंदर ऐड कर रखे हैं यहाँ पे ये ग्रीन हो गए, पहले आपके व्हाइट थे अब यहाँ पे ये ग्रीन हो चुके हैं। ओके, आपने इतने ज्यादा कीवर्ड नहीं लगा देने कि आपकी पोस्ट रैंक ही ना हो सके। ओके, अब आपने क्या किया, यहाँ पे आने के बाद अपना जो टाइटल है इसे रखा यहाँ पे टाइटल, ये मेरी हेडिंग टू होगी तो मैंने इसे कर दिया हेडिंग टू। ओके, हेडिंग वन जो आपका टाइटल होगा, जो आपका सबसे ऊपर होगा ब्लॉगर के ऊपर, आपने यहाँ पे जो टाइटल लिखना है वो आपकी हेडिंग वन होगी, यानी कि एच वन, एच टू आपकी ये है। उसके बाद यहाँ पे आके आपने क्या किया, हेडिंग थ्री दे दी यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने हेडिंग फोर दी यहाँ पे। हेडिंग फोर आपकी क्या होगी, जो आपकी हेडिंग टू होगी वही आपकी हेडिंग फोर होगी। ओके ओके गाइज, ये देखिए यहाँ पे मेरा पूरा आर्टिकल अपना रेडी कर लिया है, इसकी हेडलाइंस वगैरह मैंने दे दी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए गुड 7.4x10। ओके, यहाँ पे पहले 0x10 था, अब 7.4x10 आ चुका है। जितना अच्छा आपका आर्टिकल होगा उतनी अच्छी आपको यहाँ पे रैंकिंग मिलेगी, लेकिन 7 जो है वो यहाँ पे बेटर है लेकिन बेस्ट नहीं है। आपने क्या करना है, यहाँ पे 10x10 करके लानी है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये अभी एसईओ की स्कोर है। ओके, यहाँ पे मैं नीचे करके आपको दिखाऊँ, ये देखिए रीडेबिलिटी इसकी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, रीडेबिलिटी इसकी ज्यादा अच्छी नहीं है। करंटली वो कह रहा है आपके 1137 वर्ड है, यहाँ पे जो है 1633 वर्ड होने चाहिए आपके। ओके, अगर 1633 होते हैं तो आपका आर्टिकल रैंक कर सकता है। अगर यहाँ पे अगर आपने कम वर्ड का, यानी कि 1633 से कम वर्ड का आर्टिकल लिखा है तो वो आपके लिए जो है बेटर नहीं है, बेस्ट नहीं है। ओके, वो रैंक में आने के उसके चांसेस कम है, लेकिन रैंक में आएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर आपने ट्राई करना है, यहाँ आपका आर्टिकल जो है 1633 वर्ड से ऊपर का हो। ओके, यहाँ पे मैं आपको इतना लंबा आर्टिकल लिख के नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा।
इसलिए आपने क्या करना है, 1600 वर्ड से ज्यादा का आर्टिकल आपने लिखना है। ओके यहाँ पे ओके, यहाँ पे उसके बाद आपने क्या करना है, रिप्लेस टू कम्प्लेक्स वर्ड्स। यहाँ पे जो आपको रेड देखने को मिल रहा है आपने इन्हें करना है ग्रीन। ओके यहाँ ग्रीन करने के बाद एसईओ टाइटल ये देखिए आपका पूछ रहा है कि इसे अभी ऐड करिए मजीद, अभी मैंने कम ऐड करे है, वो कह रहा है और ज्यादा ऐड करो। ओके मैं यहाँ पे ज्यादा ऐड कर देता हूँ। तो ये देखिएगा काफी ज्यादा कीवर्ड्स इनमें से मैंने ऐड कर दी है, आपने ट्राई करनी है कि आप इनमें से जो है हाफ, कम से कम हाफ कीवर्ड यहाँ पे ग्रीन कर दो। ओके यहाँ पे यानी कि इनके अंदर ऐड कर दो उन कीवर्ड्स को। ओके यहाँ पे आपने टाइप करके ऐड करने हैं। ओके उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपकी बारी आती है यहाँ पे रीडबिलिटी की। ओके यहाँ पे हम आ जाते हैं रीडबिलिटी, ये पहले आप देख लीजिए एसईओ यहाँ पे 8.1/10 हो चुकी है, रीडबिलिटी भी वही है। ओके यहाँ पे आगे रीडबिलिटी यहाँ पे आई आपकी क्या आई, 60.6। यहाँ पे ये यह कह रहा है 60.67 होनी चाहिए आपकी, यहाँ पे मेरी 60 आ रही है, वो किस वजह से आ रही है, यहाँ पे मेरा टारगेट जो है 1633 होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे 1148 है। ओके आपने क्या करना है, इसे आपने कंप्लीट करना है जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। अब आपने नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या लेना है, आपने इस सभी के सभी को आपने करना है कॉपी एज इट इज, और यहाँ करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पे ला के आपने इसे ब्लॉगर में कर देना है पेस्ट। यहाँ पे जो आप अपना टाइटल रखना चाहते हो वो आपने यहाँ पे रख देना है। ये देखिए यहाँ पे आपने अपना टाइटल दे दिया और यहाँ पे देखिए आपके सामने पूरे का पूरा आर्टिकल आ चुका है। यहाँ पे आपको किसी किस्म की अब सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आने के बाद आपने क्या करना है, अपनी पिक्चर यहाँ पे ऐड कर देनी है। पिक्चर की अगर एसईओ आपको करनी नहीं आती तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे आपको पूरा काम हो चुका है, अब आपने मजीद काम क्या करना है वो क्या है, एसईओ पे आई यहाँ पे आके, एसईओ पे आने के बाद आपने यहाँ पे अपने जो कीवर्ड है यहाँ पे ग्रीन करे है, सभी के सभी कीवर्ड्स को आपने करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है किसी भी ये एक नोटपैड पे। ओके यहाँ पे वर्ड पैड पे आ जाता हूं, यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ सबके आगे आपने देना है कोमा। ये देखिएगा कोमा देने के बाद इसे किया कॉपी, कॉपी करने के बाद आगे हम अपने ब्लॉगर पे यहाँ सर्च डिस्क्रिप्शन में आगे यहाँ पे आपने आके ऐड किया, डन किया, और यहाँ लेबल पे आए, लेबल आपने जिसमें ऐड करना है टैग है तो टैग में ऐड कर दिया। ओके यहाँ पे जो भी आपने लेबल लगा रखा है उसमें ऐड किया, यहाँ पे कोई एक पिक्चर आपने लगा लेनी है, मैं यहाँ पे कोई एक पुरानी पिक्चर लगा के आपको दिखा देता हूँ आपने क्या काम करना है। ये देखिए फ्रॉम दिस ब्लॉग पे आ गया मैं, तो चलिए अगर ये वाली पिक्चर हम लगा लेते हैं आपके लिए, लगाने के बाद सिर्फ आपको दिखाने के लिए सिखाने के लिए बता रहा हूँ आपने क्या किया, जो मेरा मेन कीवर्ड था वो क्या था, ये देखिए ब्लॉगस्पॉट एसईओ टिप्स। ओके यहाँ पे मैंने इसे प्रेस किया, यहाँ पे आया मैं प्रॉपर्टीज पे गया और यहाँ पे इसे कर दिया दोनों जगह पे एज इट इज कॉपी पेस्ट। ओके यहाँ पे कैप्शन पे आ गया, ऐड ए कैप्शन पे प्रेस करके इसे भी कॉपी पेस्ट कर दिया। तो अब ये आपका कीवर्ड यहाँ पे ऐड हो चुका है, अब आपने क्या करना है, इसका साइज थोड़ा बढ़ाना चाहो तो बढ़ा दो, ये आपकी पूरी की पूरी पोस्ट रेडी हो चुकी है। यहाँ पे आ गया, यहाँ आने के बाद मैंने इसे एज इट इज पेस्ट किया और एंटर कर दिया। ओके एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे आपको दिखा दू, ये इस तरह से आ गया, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे रिक्वेस्ट इंडेक्स कर दिया, ये आपके यहाँ पे पोस्ट हो चुका है। ओके यहाँ पे पोस्ट होने के बाद जब ये कंप्लीट पोस्ट हो जाएगा तो 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपका आर्टिकल रैंक हो जाएगा, अगर नहीं होता तो आपने वेट करना है क्योंकि ये एसईओ है, एसईओ से आपको ऐसा ऐसा व्यूज आते हैं। यहाँ गोटिन पे प्रेस किया और ये आपकी एसईओ कंप्लीट हो गई। ओके इस तरह से आपने ऑन पेज एसईओ करनी है, वो भी डॉक्यूमेंट को यूज करते हुए, यहाँ पे सेमरश को यूज करते हुए। ओके गाइस ये बहुत इजी वे है, पेड टूल नहीं है, फ्री में आपको देखने को मिल रहा है, आपने इसे इस तरह से यूज करना है। तो गाइस कैसी लगी है आपकी वीडियो, अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, अगर बुरी लगी है तो डिसलाइक लाजमी करना और साथ में कमेंट में मुझे बताना कि आपको ये वीडियो क्यों अच्छी नहीं लगी ताकि मैं अपनी वीडियोस में इंप्रूवमेंट लेके आऊं। ओके नेक्स्ट बात करते हैं ऐसी किसी वीडियो में।